नमस्कार, मैं प्रज्ञा धर्द, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। बिहार सरकार आगामी 13-14 दिसंबर को पटना के ज्ञान भवन में बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन करने जा रही है। इस बात की जानकारी देते हुए उद्योग विभाग के मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि इस आयोजन का एक प्रमुख मकसद उद्यमियों को बिहार की विभिन्न औद्योगिक नीतियों से रूबरू कराना भी है। उद्योग मंत्री ने कहा कि निर्यातकों को अपने उत्पाद कंटेनर डिपो तक लाना होगा, जहां से उन्हें कस्टम क्लियरेंस और अन्य सरकारी मंजूरी मिल जाएगी। लैंडर विक्रम द्वारा चंद्रमा पर उड़ान भरने के कुछ सप्ताह बाद ही चंद्रयान 3 को पुनरुद्धरण मॉड्यूल पृथ्वी की कक्षा में वापस आ गया। इस घटना ने इसरो को भारत के अगले बड़े चंद्रयान मिशन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका प्रदान किया है। इसरो ने यह भी कर दिखाया है कि चंद्रमा की सतह पर इंजनों को फिर से चालू कर सकता है, साथ ही एक अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा में वापस लाया जा सकता है। चंद्रयान 4 का उद्देश्य चंद्रमा से नमूने वापस लाना है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ के हवाले से इस नए मिशन की जानकारी दी है। आज यानी कि 6 दिसंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक को स्थगित करने के बाद मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इसके पीछे का कारण विपक्षी पार्टियों के नेता कांग्रेस से नाराज होने को बताया जा रहा है। लेकिन अब इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से अपनी प्रतिक्रिया दी गई। उन्होंने इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने को लेकर कहा कि मेरे बारे में गलत अफवाह फैलाई जा रही है, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, सिर्फ गठबंधन को मजबूत करना है। साइबर अपराधों के बढ़ते दौर में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया। सरकार ने 100 ऐसी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है जो पार्ट टाइम नौकरी का झांसा देकर ठगी कर रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी है। एक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने लिया है, जिसकी सिफारिश गृह मंत्रालय के तहत आने वाले नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिसिस यूनिट ने की थी। बिहार लोक सेवा आयोग के शिक्षक भर्ती परीक्षा का दूसरा चरण कल से शुरू हो रहा है। 7 दिसंबर से शुरू हो रही यह परीक्षा 15 दिसंबर तक चलेगी। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 8,41,835 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। कुल 1,22,252 रिक्त पदों को इस बहाली के माध्यम से भरा जाना है। आयोग द्वारा परीक्षा को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण के लिए कुल 28 जिलों में अलग अलग केंद्र बनाए गए हैं। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने डॉक्टर बीआर अंबेडकर को उनकी 67वीं पुण्यतिथि पर सुप्रीम कोर्ट में श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कहा, यह सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐतिहासिक अवसर है। 6 दिसंबर देश के लिए ऐतिहासिक है। अब हम यहां सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर बीआर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करके इतिहास के हिस्से को हिस्सा है। हम डॉक्टर बीआर अंबेडकर के मूल्यों के साथ खड़ा रहना होगा। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन के सिद्धांतों का युवाओं सहित सभी को पालन करना होगा। नीतीश कुमार अगर बीमार है और उन्हें कहीं आने जाने में कोई दिक्कत है तो आराम करें, इससे देश समेत बिहार की जनता की भलाई होगी। जब आप स्वस्थ होकर काम करेंगे तो जनता की भलाई होगी। आप बीमार हैं तो आपको आराम करने की जरूरत है, वैसे भी आपका एज हो गया है आराम करने का, तो आराम कीजिए। यह बातें बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा कही गई है। अमेरिका की रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने मंगलवार को कहा कि भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश होगा। S&P को उम्मीद है कि भारत की GDP वृद्धि चालू वित्त वर्ष में अनुमानित 6.4% से बढ़कर 2026 तक 7% तक पहुंच जाएगी। हालांकि एजेंसी ने साथ ही कहा कि भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज बड़े अवसर को अनलॉक करना और अगला बड़ा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना होगा। राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के बाद अब सरकार ने जिला और शहरी अस्पतालों में स्नातकोत्तर डिग्री और डिप्लोमा का पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई है। विभिन्न जिला और शहरी अस्पतालों से मिले आवेदन के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इस देश में कार्य प्रारंभ किया है। उम्मीद है कि आने वाले शैक्षणिक सत्र से जिला व शहरी अस्पतालों में डिग्री और डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों की पढ़ाई होने लगेगी। स्वास्थ्य विभाग ने अब तक 29 जिला एवं शहरी अस्पतालों की ओर से स्नातकोत्तर डिग्री और डिप्लोमा का पाठ्यक्रम शुरू करने के आवेदन मिले हैं। अमेरिका में मौजूद खालिस्तानी समर्थक गुरु पतवंत सिंह पन्नू की ओर से 13 दिसंबर को संसद हमले की बरसी पर संसद की नींव को हिला देने की धमकी वाला एक वीडियो संदेश जारी होने के बाद दिल्ली पुलिस सतर्क में है। विंटर सेशन के दौरान 13 दिसंबर 2001 को संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि संसद और उसके आसपास के इलाकों की सुरक्षा पहले ही बढ़ा दी गई है। क्रिकेट के दो दिग्गज सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली को अपने क्रिकेट के मैदान पर तो कई बार देखा होगा, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों को आप जल्दी देश के सबसे बड़े धार्मिक कार्यक्रम में भी एक साथ देख सकते हैं। दरअसल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सचिन और विराट दोनों अयोध्या जा सकते हैं। प्रिंट इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली दोनों को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए निमंत्रण भेजा गया है। भारतीय शेयर बाजार में जारी तूफानी तेजी से निवेशकों की झोली भर गई है। बुधवार को दोपहर 12 बजे 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 0.45% यानी 314.56 अंकों पर 69,610.70 पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी 0.36% यानी 75.85 अंक की तेजी के साथ 20,930.95 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। बाजार के जानकारों को उम्मीद है कि निफ्टी जल्द ही 21,000 की हो सकती है। इस बीच खबर आ रही है कि निवेशकों की पूंजी बुधवार को 2.17 लाख करोड़ रुपये बढ़ गई है।
ग्लोबल एनसीएपी के कार्यकारी अध्यक्ष डेविड वार्ड ने भारत में स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल के बढ़ते चलन को देखते हुए आगाह किया है कि भारत को वह गलती नहीं दोहरानी चाहिए जो यूनाइटेड स्टेट ने अमेरिका में ज्यादा सपोर्ट यूटिलिटी व्हीकल की बिक्री को बढ़ाकर दिया था, क्योंकि पैदल चलने वालों के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं जिसकी वजह इन गाड़ियों का बोनट या हुड है जिसकी ऊंचाई अन्य गाड़ियों के मुकाबले ज्यादा होती है और दुर्घटना के समय मृत्यु का जोखिम बढ़ जाता है क्योंकि दुर्घटना की स्थिति में एसयूवीएस का बोनट सीधे शरीर के ऊपरी हिस्से से टकराता है। आज यानी 6 दिसंबर को भारत के 5 खिलाड़ी एक साथ अपना जन्मदिन मना रहे हैं। जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर, रविंद्र जडेजा, आरपी सिंह और करुण नायर का आज बर्थडे है। भारत को कई मैचों में अपनी धारदार गेंदबाजी से जीत दिलाने वाले बुमबुम बुमराह 30 साल के हो गए हैं। वहीं अय्यर आज अपना 29वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। रविंद्र जडेजा आज अपना 35वां जन्मदिन मना रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक जमाने वाले चुनिंदा बल्लेबाजों में से शामिल करुण नायर भी 32 साल के हो गए हैं। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज आरपी सिंह भी आज अपना 38वां जन्मदिन मना रहे हैं। देश के सरकारी बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों को केंद्र सरकार जल्द ही खुशखबरी दे सकती है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में हर शनिवार को छुट्टी करने पर विचार कर रही है। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने सरकार को एक प्रस्ताव सौंपा है। इसमें देश के सभी बैंकों में हर शनिवार को अवकाश घोषित करने की मांग की गई है। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ के अनुसार आईबीए की तरफ से यह प्रस्ताव दिया गया है। अगर सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो हर सप्ताह बैंकों में 5 दिन ही काम होगा। मशहूर सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य अपने बेहतरीन गानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। उन्होंने अब तक करीब 1000 फिल्मों में 6000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं। उन्होंने अपने लंबे करियर में कई म्यूजिक वीडियोस को अपनी जादुई आवाज से सजाया है। वह अपने विवादित बयान को लेकर भी सुर्खियों में बने रहते हैं। बीते कुछ दिनों पहले अभिनेता ने शाहरुख खान को अपने निशाने पर लिया था। अब सिंगर ने सलमान खान पर धावा बोला है। सिंगर ने कहा कि सलमान खान उनकी नफरत के काबिल भी नहीं है। सिंगर ने यह भी बताया कि आखिर सलमान खान के लिए उनके मन में अभी भी कड़वाहट क्यों है। फोर्ब्स ने दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को शामिल रखा गया है। इसके साथ ही 3 अन्य भारतीय महिलाओं को भी स्थान दिया गया है जिन्होंने बिजनेस सेक्टर में अलग मुकाम पाया है। वित्त मंत्री के साथ ही लिस्ट में जिन 3 अन्य भारतीय महिलाओं को स्थान दिया गया है उनमें एचसीएल कॉर्प की सीईओ रोशनी नादर मल्होत्रा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन सोमा मंडल और बीकॉन फाउंडर किरण मजूमदार शॉ भी शामिल है। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे जारी हो चुके हैं। चुनाव में बीजेपी को 3 बड़े राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में धमाकेदार जीत मिली। बीजेपी की सफलता से न सिर्फ शेयर बाजार उत्साहित है बल्कि केंद्रीय कर्मचारियों की भी उम्मीदें बढ़ गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जनवरी 2024 से शुरू हो रही साल की पहली छमाही के लिए 5% महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 50% के आंकड़े को पार कर जाएगा। रामायण को लोगों ने आज भी अपने जहन में बसा रखा है और उससे प्रेरित होकर भगवान राम की छवि भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। हालांकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कहानी को कोई मेकर्स अलग अलग नजरिए से दर्शकों के सामने लेकर आए हैं, लेकिन वो कहानी को लोग आज भी नहीं भूल पा रहे। इस बीच में एक और बार फिर से भगवान श्री राम की कहानी को लेकर सोनी टीवी आ रहा है जिसका नाम है श्रीमद रामायण और हाल ही में इसका प्रोमो जारी हुआ था जिसमें इसे लेकर कई सारी घोषणा की गई थी। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में दिल्ली यूनिवर्सिटी को सस्टेनेबिलिटी के मामले में ग्लोबली 220 रैंक मिली है। इंडियन यूनिवर्सिटीज में से ड्यू टॉप पर है। इस लिस्ट में दुनिया भर के 95 देशों के 1397 इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया था। इंडिया में से केवल ड्यू ही एक ऐसा संस्थान है जो टॉप 300 में जगह बना पाया है। टॉप 100 में एक भी इंडियन इंस्टीट्यूट नहीं है। IIT बॉम्बे को 303वीं रैंक मिली है। इंडिया के लिस्ट में तीसरा नाम IIT मद्रास का है, इसे 344वां स्थान मिला है। IIT खड़गपुर इंडिया से चौथे स्थान पर है, इसे 349वीं रैंक मिली है। सभी IITs में से IIT बॉम्बे ने बढ़िया परफॉर्म किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को यहां केन्या गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर विलियम रूटो से मुलाकात कर उन्हें भाजपा की विचारधारा, संगठनात्मक संरचना और पार्टी के बारे में समझाया। नड्डा ने एक्सपर्ट जानकारी दी कि भाजपा को जानो पहल के तहत नई दिल्ली में केन्या गणराज्य के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान उन्हें भाजपा की विचारधारा, संगठनात्मक संरचना और विभिन्न पहलों के बारे में समझाया। विकिपीडिया पर इस साल सबसे ज्यादा खुल गए आर्टिकल्स में भारतीय विषयों से संबंधित 7 आर्टिकल शीर्ष 25 में शामिल है। क्रिकेट दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है, लेकिन अब तक फाउंडेशन की साल के अंत की जारी सूची में क्रिकेट से जुड़ा कोई भी आर्टिकल सामने नहीं आया है। अंग्रेजी विकिपीडिया के 2023 के शीर्ष 25 आर्टिकल्स में से क्रिकेट का योगदान 16% रहा। इस साल भारत में आयोजित 2023 क्रिकेट विश्व कप और इंडियन प्रीमियर लीग के आर्टिकल्स ने शीर्ष 5 सबसे ज्यादा देखे जाने वाले लेखों की सूची में अपनी जगह बनाई है। कर्नाटक के विजयपुरा के अलियाबाद औद्योगिक क्षेत्र में एक प्राइवेट खाद्य प्रसंस्करण इकाई के गोदाम में एक विशाल मशीन क्षतिग्रस्त हो गई और इसके बाद 100 टन मक्का के ढेर के नीचे दबने से बिहार के 7 श्रमिकों की मौत हो गई। इसके बाद अब आज यानी बुधवार को बिहार के रहने वाले श्रमिकों के सबको पटना एयरपोर्ट लाया गया। वहीं से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतक मजदूरों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को तूफानी चक्रवात मिचौं के कारण विशेषकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा, मेरी संवेदनाएं उन लोगों के परिवारों के साथ है जिन्होंने चक्रवात मिचौं के कारण अपने प्रियजनों को खो दिया है। खासकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी में मेरी प्रार्थनाएं इस चक्रवात के कारण घायल या प्रभावित लोगों के साथ है। अधिकारी प्रभावित लोगों की सहायता के लिए जमीन पर अथक प्रयास कर रहे हैं और स्थिति पूरी तरह सामान्य होने तक अपना काम जारी रखेंगे। रेलवे कर्मचारी अब मोबाइल ऐप के जरिए अवकाश के लिए आवेदन कर सकते हैं। रेलवे बोर्ड द्वारा इस संबंध में 4 नवंबर 2023 को सभी जोन को एक संदेश जारी किया गया है। संदेश में कहा गया है कि कर्मचारियों के लिए यूजर्स इंटरफेस को और बेहतर बनाने के लिए मोबाइल ऐप में तत्काल प्रभाव से कई प्रकार की छुट्टियों के लिए आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है। रेलवे बोर्ड के अनुसार मोबाइल ऐप सुविधा केवल छुट्टी के लिए आवेदन करने के लिए उपलब्ध होगी। छुट्टी मंजूरी की प्रक्रिया वेब पोर्टल या मोबाइल ब्राउजर के माध्यम से करनी होगी। महंगाई से थोड़ी राहत मिली नहीं कि मौसम की मार ने चिंताएं फिर बढ़ा दी है। अल नीनो के प्रभाव और बेमौसम बारिश की वजह से प्याज सहित कई फसलों पर आफत आ गई है। बड़े प्याज उत्पादक राज्यों जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु में बेमौसम बारिश की वजह से प्याज की फसलें बर्बाद हो रही है। एक्सपर्ट का अनुमान है कि अल नीनो के प्रभाव से सर्दियों के फसलों पर गंभीर असर पड़ सकता है। इस कारण प्याज ही नहीं दाल और तिलहन के उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है। रेल में सफर न करने वालों को प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट लेना अनिवार्य है। रेलवे का नियम कहता है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर वही व्यक्ति जा सकता है जिसके पास या तो रेल यात्रा का वैध टिकट हो या फिर रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट। इसलिए जब अगली बार आप रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट खरीदे तो यह बात जरूर नोट कर ले कि यह केवल 2 घंटे के लिए ही वैलिड होता है। अगर आप ऐसी प्लेटफॉर्म टिकट के साथ रेलवे स्टेशन पर पकड़े जाते हैं जो 2 घंटे से ज्यादा पुरानी है तो आपको बिना टिकट माना जाएगा और आपसे तय जुर्माना वसूला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूतो के साथ हिंद महासागर के क्षेत्र में समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद के संयुक्त रूप से निपटने के लिए दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की गई। पीएम ने कहा कि दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि आतंकवाद एक बड़ी चुनौती है और इससे निपटने के लिए आपसी सहयोग की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा, भारत और केन्या इस बात पर एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर चुनौती है। दुबई स्थित वैश्विक लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर डीपी वर्ल्ड ने बुधवार को कहा कि उसने 2026 तक देश में अपने सभी टर्मिनल पर 60% ऊर्जा जरूरतों को हरित स्रोतों से पूरा करने का लक्ष्य रखा है। डीपी वर्ल्ड की ओर से जारी एक बयान में अनुसार, भारत में इस नए स्थिरता को हासिल करने के लिए कंपनी का लक्ष्य घरेलू बाजार में अपने टर्मिनल संचालन पर सभी जीवाश्म ईंधन से चलने वाले उपकरणों और वाहनों को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदलना है। यह सरकार के मैरीटाइम विजन 2030 के अनुरूप है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ओर से ग्रुप सी पैरामेडिकल पदों पर भर्ती निकाली गई है जिसके लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का आयोजन 10 दिसंबर 2023 को किया जा रहा है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, ईएसआईसी की ओर से उनके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। एडमिट कार्ड ईएसआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट www.esic.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नुनु गोलकुमार, अनवर करीम खान, जितेंद्र ठाकुर, मोहम्मद सकीर हुसैन, बाबूलाल मरांडी, नौशत राजा। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आज भारतीय क्रिकेट टीम के 5 खिलाड़ियों के जन्मदिन पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।